हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशंस। आज आपके सामने और एक मेकअप प्रोडक्ट रिव्यू के साथ आई हूँ एंड एक ट्यूटोरियल भी है, जस्ट स्टे ट्यून्ड। एंड वो है आज का मेकअप रेवोल्यूशन फ्लॉलेस 432 आई शेडो पैलेट। ये कुछ इस तरह से पैकेट दिखता है एंड चलिए इसके बारे में क्या क्या रिव्यू है मैं आपको आगे के स्नैप्स में दिखाते जाऊंगी और हैंड स्वाचेस भी दिखाऊंगी। और इसका जो ये मैंने आई लुक क्रिएट किया है इसी पैलेट को यूज करके किया है। ये बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल एंड आई लव दिस पैलेट, सिंपल वर्ड में बोला जाए तो। चलिए देखेंगे इसका क्या क्या, किस तरह से शेड्स हैं, क्या क्या है एंड प्राइस क्या है। ये पैकेजिंग कुछ इस तरह से है। यूजुअली मेकअप रेवोल्यूशन के आईशैडो पैलेट्स के पैकेजिंग बहुत ही क्लासी रहते हैं एंड मेरे पास और भी पैलेट्स हैं। फर्स्ट मैं आपको ये रिव्यू करके दिखा दूंगी एंड बाद में अगर आप कोई भी पैलेट्स को रिव्यू करना चाहते हो, रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हो तो मेरा नाम है लक्ष्मी एंड मेरे चैनल पे आपको नीटिंग, क्रोशिया एंड फूड रिलेटेड, मेकअप प्रोडक्ट्स रिव्यू रिलेटेड एंड मेकअप रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। प्लीज एक बार मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड जो बेल आइकॉन है उसको जरूर एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको जरूर नोटिफाई हो सके, विदाउट मिसिंग आप देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। ये पैकेजिंग ओपन करके आप दिखाती हूँ मैं आपको हैंड स्वाचेस भी, तो लेट स्टार्ट। ये है मेकअप रेवोल्यूशन लंडन फ्लॉलेस 4 अल्ट्रा आई शेडोज 32 अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो पैलेट। इसमें 32 आई शेडो है। ये फ्लॉलेस 4 मेकअप रेवोल्यूशन फ्लॉलेस 4 है। इसको मैंने nykaa.com से खरीदा है और आई थिंक अभी भी ये अवेलेबल है नायका पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड ये फ्लॉलेस 4 पैलेट देखिए कितना सुंदर सा पैकेजिंग है। इसका एमआरपी है 1750, लेकिन रिपब्लिक डे सेल जो चल रहा था नायका पे तब मैंने खरीदा है अभी जनवरी में, तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 1575 आई थिंक। उसका मैं अभी भी प्राइस डिस्काउंट पे चल रहा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो अमेजोन पे तो अमेजोन का भी इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रूंगी, आप ये चेक कर सकते हो। ये पैकेजिंग कुछ इस तरह से आया है, अच्छे से बबल रैप होके, यूजुअली नायका के जो पैकिंग होते हैं तो वेल रैप होके बबल रैप में आया था, तो स्टिल मैंने ये आपके सामने ओपन करने के लिए ये अभी भी प्लास्टिक के कवर भी ओपन नहीं किया है। तो ये देखिए यहाँ पे बिल लगा हुआ है और इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। मैंने प्लास्टिक का कवर रिमूव कर दिया एंड यहाँ आप देख सकते हो यूजुअली मेकअप रेवोल्यूशन के जो पैलेट्स उनके पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव और क्लासी रहते हैं। यूजुअली ये भी देखिए आप थ्री डायमेंशन वाला कलर किस तरह से गोल्ड, ऑरेंज और रेडिश ये है एंड इसके ऊपर फ्लॉलेस 4 लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हो 32 अल्ट्रा आई शेडो पैलेट एंड बैक साइड पे आपको मिलेंगे 32 जो आई शेडोज है उनके आपको इमेज मिलेंगे और यहाँ पे आपको ये उनके बिफोर 32 मंथ्स के सभी आपको टैग्स मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये अदर वेबसाइट से पैलेट्स मैंने कभी खरीदा हुआ है क्योंकि आई बिलीव नायका क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो इसलिए मैंने कहीं और से पैलेट्स में खरीदना पसंद नहीं करती हूँ, तो ये नायका से खरीदा हुआ है। तो लेट स्टार्ट, इसका पैकेजिंग मैं आपको निकाल दूंगी। ये मैंने पैकेजिंग ओपन कर लिया है, देखिए अगेन ये अंदर एक प्लास्टिक कवर में अच्छे से रैप हुआ है, तो आई विल रिमूव दिस। ये देखिए कितना क्लासी और वाव, ये पैलेट जस्ट आप देखिए ये जस्ट गोल्ड है, कंप्लीट गोल्ड है एंड ब्लैक बैक आपको मिलेगा ये फ्लॉलेस 4 कंप्लीट ब्लैक में। एंड ये इसका जस्ट पैकेजिंग ही देखिए एंड इसका आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी नहीं दिया गया है, आप खुद देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो बिल लगा हुआ है बिल के ऊपर
हमें लिखा गया है मैन्युफैक्चर्ड दिसंबर 2017 एंड टिल वी कैन यूज अक्टूबर 2020 तक हम ये यूज कर सकते हैं, तो काफी टाइम है। एंड ये देखिए रोज गोल्ड कंप्लीट गोल्ड पैकेज, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ से इस तरह से ये ओपन होता है। जस्ट यूजुअली यहाँ पे आपको एक बिग साइज मिरर मिलता है, आप देख सकते हो। बहुत ही क्लीन और हाई क्वालिटी का, यूजुअली जो भी मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट हैं आपको बिग फुल साइज और हाई क्वालिटी के मिरर मिलते हैं, देखिए। एंड यहाँ पे जो है इस तरह से मैं पकड़ लेती हूँ। एंड इसके ऊपर एक जो शीट दिया गया है इसके नेम्स इसके ऊपर लिखे गए हैं। अगर इस तरह आप ये शीट रखोगे तो यूजुअली इसी तरह मेकअप रेवोल्यूशन के मैलेट में ये नेम्स दिए जाते हैं, तो ये इस तरह से रखोगे तो आपको नेम्स नजर आएंगे। तो अब चलिए देखेंगे वंडर पार्ट। ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका रिव्यू अभी तक नहीं किया गया है, बहुत ही कम लोगों ने इसका रिव्यू किया, ताकि ये बहुत ही वर्सेटाइल एंड बहुत ही एलिगेंट एंड ऑल कॉम्बाइंड वेल क्या बोलते हैं वेल सेट किया गया एक आई शेडो पैलेट बोल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे न्यूट्रल्स वार्म टोन्स कूल टोन्स एंड शिमर्स हैं। एंड जगह अब रेगुलर आई मेकअप से लेकर आप पार्टी वियर मेकअप तक एंड स्मोकी आई तक आप क्रिएट कर सकते हो। ये मैं आपको नेचुरल बिल्कुल नेचुरल लाइट में ये आपको शेडोज दिखा रही हूँ, कितने सुंदर हैं आपको देख सकते हो। यहाँ फर्स्ट जो रो है ये सभी आपको एंड लास्ट का जो रो है आप खुद ही देख सकते हो शिमर शेड है। एंड यहाँ पे दो बीच के दो रोज हैं कंप्लीट मैट है, इसमें आपको एक व्हाइट एंड ब्लैक मिलेगा जो एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो मैट शेड है यहाँ कूल है, यहाँ पे वार्म टोन है न्यूट्रल से, तो ये ट्रांजिशन शेड्स के लिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप एक परफेक्ट आई शेडो पैलेट ढूंढ रहे हो, एक ही जो बहुत ज्यादा पैलेट्स नहीं चाहिए आपके लिए, तो ये आपके लिए परफेक्ट है। अगर आप ब्राइडल मेकअप किट सेलेक्ट कर रहे हो तो ये जरूर आप सिलेक्ट कीजिए, मेरा रिकमेंडेशन है। तो ये आप नेचुरल लाइट में देख रहे हो फ्लॉलेस फोर आई शेडो पैलेट का। एंड मैं आपको हर एक दो आपको यहाँ पे अभी मैं ये जो पिंक आपको दिख रहा है कंप्लीट मैट नहीं है, थोड़ा सा इसमें शिमर जरूर है। इसके अलावा बाकी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आपको कंप्लीट मैट मिलेंगे। एंड ये जो व्हाइट है यहाँ पे ये मैट है, आई थिंक यहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, आई थिंक ये यहाँ होना चाहिए था। तो आपको एक दो में मैट और कंप्लीट में आपको वन बाय वन रोज में आपको फर्स्ट टू रोज एंड सेकंड टू रोज आपको मैं स्नैपशॉट डाल दूंगी। और अभी आपके लिए दिखाने के लिए एक दो में आपके लिए ये देखिए हाई कितना ये पिगमेंटेड है देखिए। एंड अब हम शिमर देखेंगे एक। अब मैं आपको वन बाय वन ये दो आपको ये हाथ के ऊपर स्वाचेस दिखा के स्नैप्स डाल दूंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट रो है ये यहाँ का फर्स्ट शिमर रो है वो है। अब जस्ट देखिए कितने अच्छे कलर्स हैं। ये जो सेकंड रो आपको दिख रहा है आई थिंक क्लियरली आपको दिख रहा है, ये सेकंड रो जो है मैट शेड का ये वाला शेड है, आप देख सकते हो कितना बहुत ही सुंदर से कलर हैं। ये जो तीन शेड्स हैं यहाँ पे यहां तक ये बहुत सुंदर से ट्रांजिशन शेड्स हैं। अब हम नेक्स्ट टू रोज देखेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो नेक्स्ट मेथर्ड रो मैट शेड है और ये शिमर शेड यहाँ पे यहाँ तक ब्लैक बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, और जो ब्लैक के बाजू में ये शेड है उतना ज्यादा कलर शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके ये ट्रांजिशन कलर के लिए अच्छा काम हो जाएगा।
एंड यहाँ पे जो ये शेड शिमर है ये यहाँ से यहाँ तक पूरे शिमर है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ये जो आप देख रहे हो ये शेड, ये बिल्कुल शिमर नहीं है, मैट शेड है, बहुत ही सुंदर सा शेड है। यहाँ पे आपको कंप्लीट गोल्ड, ब्रॉन्ज, पर्पली, शिमर, सभी मेटालिक शेड एंड कॉन्टोर के लिए सभी शेड यूज कर सकते हो। देखिए ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ रो का एंड स्वाचेस। चलिए अब देखते हैं, एक इससे यूज करके एक आई मेकअप क्रिएट करते हैं सिंपल सा। तो चलिए एक आई लुक क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अपना आईब्रो अभी तक फिल नहीं किया है, तो यहाँ से इसी पैलेट्स में जो ये ब्लैक कलर और यहाँ पे जो ये वाला डार्क ब्राउनिश कलर है उसको दोनों मिला के मैं आईब्रो फिल कर लूंगी। जो इसमें से मिरर मिला है उसी में यूज करूंगी मैं। ब्लैक बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है और बहुत ही ध्यान से जस्ट एक बार जो मिडिल पार्ट से आप इस तरह से फिलअप करते जाइए, बाद में जो लेफ्ट ओवर रहता है उसी को आप थोड़ा सा वाइप आउट करके बाकी का जो इस तरह से आप ब्लेंड कर लीजिए। आप देख रहे हो दोनों का डिफरेंस कितना ये नेचुरल लुक दे रहा है। बहुत ही ब्लैक बहुत ज्यादा हल्का लीजिए एंड ये जो ब्राउन ब्राउन शेड है, ब्राउन शेड मेन रखिए आप। ये हो गया हमारा आईब्रोज। आप देख सकते हो आईब्रोज के बाद कितना डिफरेंस नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर से शेड्स हैं ये दोनों भी। आप आईब्रोज के लिए ये दोनों एक्स्ट्रा आईब्रो किट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपको ये ब्लैक एंड ये वाला जो है ए वाला ब्राउन आईब्रोज के लिए सेट हो गया। अब हमें मैं एक सिंपल सा आई लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट देखे प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम अ बिगिनर इन मेकअप। तो लेट्स ट्राई। इसमें से मैं ट्रांजिशन के लिए मैंने ऑलरेडी आईज को जो इनग्लॉट का मेकअप बेस आता है वही मैंने यूज किया हुआ है ऑलरेडी एंड जो आई मेकअप प्राइमर यूज कीजिए या फाउंडेशन ही आप यूज कर सकते हो या इस तरह का बेस आई मेकअप बेस मिलता है ये इनग्लॉट का है, तो इसको मैंने यूज किया है। उसके बाद मैंने नायका का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसके ऑलरेडी मैंने आई को लिड को मैंने ऑलरेडी सेट कर दिया है। अब हम ट्रांजिशन के लिए इस पैलेट्स मैंने लेंगे ये जो ब्यूटीफुल सा ये ऑरेंजी शेड है ये मैं लूंगी जस्ट क्रीज एरिया में। आप देख सकते हो ऑलरेडी कलर शो हो रहा है। हमेशा आप आई मेकअप करते हो तो दोनों आईज को एट ए टाइम कीजिए, एक के बाद एक नहीं कीजिएगा, एक एक बार अलग अलग हो जाते हैं कलर के अच्छे से इसको। एक्स्ट्रा कलर नहीं लेना है, जो है वही आपको अच्छे से एक ट्रांजिशन कलर मिल गया है।
अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डीप करने के लिए जो फर्स्ट मैंने ये वाला शेड यूज किया था, अब मैं इसको थोड़ा सा डीप करने के लिए ये जो एंगुलर ब्रश है उसी से मैं यूज करती हूँ। ये जो एंगल ब्रश है तो ये हल्का सा ब्राउन कलर मैट कलर ले रही हूँ एंगल में। अच्छे से एंगल में प्लेस कीजिए जस्ट ब्लेंड एंड आई शेडो को अच्छे से आप प्लेस कीजिए ताकि देखिए अच्छे से प्लेस हो गया है। प्लेस होने के बाद जस्ट ब्लेंड इट। अब मैं जो स्किन कलर है इसमें जो ये येलोइश स्किन टोन है ये मैं अपने ये जो स्किन एरिया है इसमें मैं ब्लेंड कर दूंगी ताकि लाइंस कुछ दिखे ना। ये ब्रशेस का रिव्यू मैंने मेरे चैनल पे कर दिया है, इनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें। बहुत ही अफोर्डेबल एंड ब्रश बहुत ही अच्छे क्वालिटी के ब्रशेस हैं, बेस्ट क्वालिटी हैं। आप जरूर इनको एक बार ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी ब्रांडेड ब्रशेस ही अच्छे काम करते हैं, आप देख सकते हो काफी अच्छे से ये ब्लेंड करने में हेल्प कर रहा है ब्रश। देखिए ये हो गया एक। अब हम ये जो छोटा सा फ्लैट ब्रश दिख रहा है फ्लैट ब्रश से जो ब्राउ बोन के लिए यहां से सॉरी ये वाला गोल्डनी शैम्पेन शेड है इसको मैं जस्ट एक अच्छा सा शीन मिल रहा है आपको देख रहे हो। ये बहुत ज्यादा फैलाएगा नहीं, इस एरिया में आपको फैलाना नहीं है, जस्ट इसके अंदर एक थिन लाइन कर दीजिए। एंड अब मैं ले रही हूं जो हम पिंक बेस किया है तो ये जो पर्पली पिंकिश शेड का जो शिमर है इसको मैं आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। ये जो फ्लैट ब्रश के मदद से थोड़ा सा मोटा फ्लैट ब्रश है अगर ये बहुत ज्यादा आपको पॉप कलर चाहिए शिमर बहुत ज्यादा दिखे तो आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे से ये ब्रश को वेट कर सकते हो, वेट करके भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेरे हिसाब से बहुत ही काफी सटल सा ग्लो दे रहा है। आपसे मैं फिंगर से ट्राई कर रही हूँ, आप देख सकते हो फिंगर से बहुत ही अच्छे से कलर पॉप हो रहे हैं।
आप देख सकते हो कितना अच्छा सा कलर आ गया है। एंड नेक्स्ट हम लेते हैं थोड़ा सा ये डार्क कलर। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा डार्क कलर, ये जो ब्लैक, ये जो डीप, इसको, और थोड़ा सा एकदम हल्का सा ब्लैक, ब्लैक बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ही केयरफुल रहिए। इसको पहले मैं प्लेस कर देती हूँ। आप देख सकते हो एक सटल सा शेडो क्रिएट हो गया है। एंड मैं सब कुछ एक बार ब्लेंड कर देती हूँ यहाँ पे फ्लफी बिग फ्लफी ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से। तो ये है ब्रश, ये हो गया है। एंड इनर कॉर्नर में ये जो हम आईब्रो बोन को लगाया था वही में शिमर इनर आई कॉर्नर पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट एक हल्का सा होना चाहिए। एंड ये जो फ्लैट ब्रश है जो हमने क्रीज के लिए यूज किया था, ये वाला, ये जो ब्रश ऑरेंज बेस के लिए, इन दोनों को मिला के जस्ट शैडो कंप्लीट करने के लिए। ये हो गया है। अब मैं काजल और आईलाइनर कंप्लीट करके, अब आप देख सकते हो मैंने आईलाइनर एंड मस्कारा कंप्लीट कर लिया है, काजल लगा लिया है। ये इस तरह से टर्न हुआ है मेरा आई लुक पर्पली एंड पिंकिश। तो ये था मेरा सिंपल सा रिव्यू एंड ट्यूटोरियल अबाउट दिस पैलेट। अगर आप कोई भी आई शेडो पैलेट्स, इंडियन स्किन टोन या मेरे जैसे मीडियम टू डीपर स्किन टोन है, आप ब्राइडल कलेक्शन या ब्राइडल किट कलेक्ट कर रहे हो, बिगिनर हो या पार्टी मेकअप हो, किसी के लिए आप एक आई शेडो पैलेट ढूंढ रहे हो, तो प्लीज गो फॉर दिस। एंड ये बहुत ही प्राइस के हिसाब से बहुत ही सुपर क्वालिटी का आई शेडो है। इसमें आपको सारे मैट और सारे शिमर एंड न्यूट्रल कूल टोन, जो भी आपका स्किन टोन हो उसके लिए परफेक्ट ये आई शेडो पैलेट है। तो ये है, मुझे बहुत ही वर्सटाइल लगा। मुझे मालूम नहीं क्यों इंडियन यूट्यूबर्स ने इसको ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत कम लोग इसको रिव्यू किया है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। एंड गुड टू गो। अगर आप ब्राइडल किट के लिए एक ही पैलेट चाहते हो तो ये आप डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो शेड्स हैं, ये दो शेड्स या ये तीन जो शेड्स हैं, आप कोई भी स्किन टोन को के हो आपके लिए ये ब्लश का काम करेंगे। ये मल्टीपर्पज पैलेट भी मैं बोल सकती हूँ। एंड इसमें आपको ये जो ब्लैक कलर एंड ये जो ये ब्राउनिश ब्लैकिश ब्राउन या ब्राउन कलर या ब्लैक, ये
तीन जो कलर हैं, आप कोई भी स्किन टोन पे के हो आपके लिए ये आईब्रो पाउडर का काम करेगा। एंड यहाँ पे जो सारे मेटालिक कलर्स हैं, बहुत सारे मेटालिक कलर्स आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी आई लुक या सिंपल से एवरीडे या पार्टी वेयर कोई भी आई मेकअप आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आप ब्लश हो जाएगा, हाइलाइटर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो हमारा स्पेशली आप मेरे जैसे स्किन टोन हो या मीडियम से डीपर स्किन टोन हो तो आप ये जो शेड है ये आप आराम से हाइलाइटर की तरह यूज कर सकते हो। आप बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते हो तो एक ही पैलेट में आपको बहुत सारे क्वालिटी के आप यूज लाइक मींस आप आईब्रो पाउडर की तरह, आई शेडो पाउडर की तरह या ब्लशर की तरह आप ये आई शेडो यूज कर सकते हो। तो ये मल्टी पर्पज एक पैलेट हम कह सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। एंड अफोर्डेबल प्राइस में आपको इतने सारे शेड्स एंड मैट सभी मिल रहे हैं तो क्यों नहीं आप एक बार ट्राई कीजिए। मैं हाईली आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप जरूर एक बार इसको खरीदने का सोचिए। आप मेरा रिव्यू देखिए, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो जरूर आप एक बार पैलेट को ये ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स आप डेफिनेट, मैं कन्फर्म बोलती हूँ, आप इसको जरूर पसंद करोगे। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये मेरा सिंपल सा रिव्यू पसंद आया हुआ है तो जरूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।